आपका मन चिंतामणि है, जैसा आप चिंतन करते ऐसे हो जाते। अमथा भाई, गंगा भाई, छंगा भाई, पटेल, चौधरी, सिंधी, गुजराती, टपाली, फपाली, ये सब रिपीटेशन हो गया तुम्हारी खोपड़ी में, और क्या हुआ? और अपने को वो मानने लग गए। उसी लिए हमारा असली स्वरूप ढक गया उन रिपीटेशन की परतों से। फलाना भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, फलानी माई, फलाना ये, और ऐसा जगत का तुच्छ चिंतन हुआ, ऐसा विषय अभागों का चिंतन हुआ, ऐसा अभागा चिंतन की परतों ने इतना ढांक दिया कि महाराज हम तो खो गए, लेकिन ये परतें ही परतें दिखती। अब पूछो तुम कौन हो? स्वामी राम तीर्थ के पास एक युवराज गया था। बोले, स्वामी जी आप जंगल में एकांत में और रब की मस्ती लूटते हो, भगवान का दीदार करते हो, कृपा करके मुझे भी भगवान का दर्शन कराओ। उस लड़के की नम्रता, उत्साह, जवानी में संतों के पास जाना, ये समझो बहुत भाग्य की बात है। कोई पूर्व जन्म के या इस जन्म के कोई सुकृत है कि बचपन या जवानी में आदमी सत्संग कर लेता है। जो बचपन में और जवानी में सत्संग के शरण पहुंच जाता है, समझो उसका बुढ़ापा तो सुंदर है ही है, लेकिन उसका मौत भी सुंदर है और उसका भविष्य भी सुंदर है। जवानी में अगर सत्संग पकड़ रखे। एक साधु ने तो मेरे को यहां तक कहा, 20 से 25 साल की उम्र, इसको गधापति सी बोलते हैं। साधु की भाषा है जरा, मस्त साधु होते हैं। बोले, स्वामी जी 20 से 25 साल तक की उम्र में जो संभल गया वो संभल गया, उसको गधापति सी बोलते हैं। जिस तरफ चला गधे की नहीं चलेगा, त्याग में चला तो त्याग में, भोग में चला तो भोग में, प्रेम में चला तो प्रेम में, और महाराज बफ गुलाब बनाने में चला तो बफ गुलाब में। श्री राम, 20 से 25 साल की उम्र में ये 5 साल जो संस्कार प्रगाढ़ पड़ गए, ओ बड़ा काम देते। तो राम तीर्थ के पास ऐसा आ गया होगा कोई 25 साल की उम्र का, ये अंदर का होगा 20 से 25 का। राम तीर्थ खुश हो गए उनको, बोले स्वामी जी मेरे को भगवान का दर्शन करा, कृपा कर। आपके पास तो भगवान रोज आते होंगे। बोले आते तो हैं। तो स्वामी जी फिर मेरी मुलाकात करा दो। बोले अच्छा, तुम जाओ अपना एड्रेस दे दो, जब भगवान आएंगे मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास। उस लड़के ने लिख दिया कि फलाना फलाना तेजेंद्र प्रसाद, फलाना राजकुमार, फलाने राज्य का राजा का सुपुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। बोले ये तुम्हारा तो एड्रेस नहीं है। बोले स्वामी जी मेरा ही एड्रेस है। नहीं, तेरा नहीं है। बोले भगवान की कसम मेरा ही एड्रेस है। बोले तेजेंद्र प्रसाद कहाँ है? मेरा ये क्या है? तो पेट है तेरा। ये तो तेरा कपाल है। तू लड़का हक्का बक्का रह गया, जरा सीधा था। तो बोले स्वामी जी तो फिर ये मैं तेजेंद्र प्रसाद नहीं, इसमें कुछ झूठ लगता है आपको? स्वामी जी ने कहा सरासर झूठ, बेवकूफी 420 कि मैं तेजेंद्र प्रसाद। कहाँ तेजेंद्र प्रसाद? बोले खोज खोज कहाँ है। सिर को तेजेंद्र भाई बोलते हैं, हाथ को बोलते हैं, पेट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लड़का चुप रह के खोजता है विवेक से। स्वामी जी कुछ पता नहीं चलता है, ये तो मैं तो और चक्कर में आ गया। बोले अच्छा, तू जन्मा था तब नाम पड़ा था, उसी समय था तेजेंद्र? बोले नहीं। कब हुआ? बोले 7 दिन के बाद। अच्छा, तो 7 दिन के पहले तो तू था। हाँ, अब खोज। माता के गर्भ में तू था? बोले हाँ। तब क्या नाम था? बोले तब तो जीव था, बालक बालिका। उसके पहले 1 दिन का, 2 दिन का तब क्या था? बोले जीव। जब माँ के गर्भाधान हो रहा था तब क्या था? बोले तब तो अव्यक्त जैसा था, कोई नाम और कोई विशेष रूप नहीं था। तो जो नाम और रूप नहीं था फिर भी जो था वो कौन है? खोज। नाम भी नहीं था, रूप भी नहीं था, तब भी कोई था, वो कौन है?
वो कौन था, वो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन हूँ, गहरा खोदते 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 महाराज वो चित्त के प्रसाद में पहुंच गया उसी दिन की बात। तो ये कठिन नहीं है, लेकिन इस प्रकार की खोज करना, सूक्ष्म बुद्धि करना, इस प्रकार की धगस लाकर अपना जीवन धन्य करना, ऐसा उत्साह मिलना कठिन है। ईश्वर पाना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको ईश्वर पाना कठिन नहीं है ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलना कठिन हो जाता है। हकीकत में तो परमात्मा का त्याग करना कठिन है, परमात्मा का त्याग करना असंभव है। ऐसा कोई माई का लाल हो जो भगवान का त्याग करके दिखा दे, हो जाएगा खड़ा, बोले हम भगवान का त्याग करते हैं। भगवान का त्याग करने करके भी खड़ा भी हो जाएगा तभी भी भगवान की सत्ता से खड़ा होगा, तो त्याग क्या किया? अब मैंने भगवान का त्याग करा, ये बोलेगा भी तो भगवान की सत्ता से। अरे महाराज मर भी जाएगा तभी भी उसके देह का त्याग करेगा, उस भगवान का त्याग नहीं कर सकता, इतना वो साथ में। लेकिन जैसे मच्छ पानी में डूबा ही रहता है, ऐसे ही जो संसार के विचारों में डूबे ही रहते हैं, ऐसे विषय अंध लोगों के लिए भगवान कठिन हो गया, शांति पाना कठिन हो गया, मोक्ष पाना कठिन हो गया। जैसे मच्छ पानी में ही डूबा रहता है ना मछली, ऐसे ही जो कल्पनाओं में डूबे रहते हैं उनके लिए ईश्वर कठिन है, नहीं तो कठिन नहीं है। परमात्मा पाना कठिन नहीं है, परमात्मा तो अपना आपा है बाबा।